हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब परिवार बीएसवी क्रूजी में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजी नामांकन के लेकर के। आज अंतिम डेट था, यानी आज जो है 19 अक्टूबर था, और फर्स्ट सिलेक्शन लेटर या मेरिट लिस्ट के अनुसार कह सकते हैं एडमिशन जो है केवल आज तक ही लिया जाना था। इसके लेकर के ना ही डेट को आगे बढ़ाया गया है अभी तक की सूचना के आधार पर हम बता रहे हैं आपको, और ना ही स्पॉट एडमिशन या फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट कब होगा जारी, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। और नामांकन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है अब सेकेंड मेरिट लिस्ट के अनुसार, क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा या फिर नहीं होगा, अभी तक कितना एडमिशन हो गया है, लगभग कितना सीट खाली होगा, पूरी जानकारी हम विस्तार से आपको देंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, भागिएगा नहीं, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो कभी कभी आप लोग उल्टा पुल्टा कमेंट कर देते हैं कि भैया काहे ऐसा करते हो, दिस डेट, बहुत सारा बात होता है जो हम कह नहीं सकते हैं। इसलिए हम आपको स्पष्ट करते हैं, भैया आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिए, जो हम जानकारी आपको देने वाले हैं वही आपका सही चीज़ होने वाला है, ठीक है। अभी हम सिंपल बात कर लेते हैं, तो मिथिला यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका ऑफिशियल पोर्टल जो है हमारे सामने ओपन हो चुका है, और इसमें जो कहीं भी किसी भी प्रकार की ऐसी अपडेट या ऐसी जानकारी अभी नहीं दी गई है कि पीजी जो है एडमिशन ये कब तक होगी इसके लेकर के। तो यहाँ पर वैसे देखिए पीजी का यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल भी है, अपना स्पेशल पोर्टल है पीजी का, तो इस पर भी हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ भी जो है ऐसा जानकारी आपको नहीं मिलने वाला है। बशर्ते आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, देखिए बड़े बहुत करेंगे तो आप यहाँ पर आकर के जो है फोर्थ सेमेस्टर के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, बाकी कुछ जो है न्यू यहाँ पर नहीं दिया गया इंस्ट्रक्शन। और बाकी जो है आप लोग को हम बता देते हैं, सबको हम पहले भी बता दिए थे, अभी आप लोग को क्या करना है, लॉगिन होना है। सभी को अपना अपना यूजर आईडी पासवर्ड पता है, अगर नहीं पता है ऑलरेडी हम वीडियो बना दिए हैं कैसे और कहां से पता करना है, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। तो लॉगिन होकर आपको सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कैसे करना है वहाँ पर प्रोसेस करते हुए जाना है, ठीक है। हमने जैसे कि पिछले कई वीडियो में हमने बताया कैसे कैसे डाउनलोड किया जाता है, एक बार आप लोग चेक कीजिएगा, तो वहाँ पर है। तो अब हम सबसे बड़ी बात आपको बता देना चाहते हैं जो अभी तक आपको नहीं जानते हैं, पीजी का जो है पीजी सेकेंड मेरिट लिस्ट, सबसे बड़ी सवाल होता है सेकेंड मेरिट लिस्ट। तो भैया सेकेंड जो मेरिट लिस्ट था ये जो है 19 अक्टूबर के बाद जारी होना था, जैसे कि पिछले अपडेट के अनुसार बताया गया था। तो आज 19 अक्टूबर हो चुका है और सेकेंड मेरिट लिस्ट के लेकर के अभी कोई भी विशेष जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में हम आपको बता देना चाहते हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट कब होगा जारी। तो ये मेरिट लिस्ट जो है अक्टूबर के लास्ट वीक में आपको, यानी इस महीने के लास्ट सप्ताह में सेकेंड मेरिट लिस्ट आने की संभावना है। ये पूर्ण ऐसा बात नहीं बताया गया है, लेकिन ये उम्मीद बताया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा कि इस महीने के अंतिम सप्ताह तक सेकेंड मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और सेकेंड मेरिट लिस्ट के अनुसार जो है सिलेक्शन लेटर कैसे डाउनलोड होगा, तो इसके लिए छात्रों को कुछ बदला हुआ नज़र आएगा, इसमें उन्हें क्या करना होगा। तो जैसे वो लिंक पर क्लिक करेंगे तो उनको तो लॉगिन तो पहले जैसे कि पहले होते थे वैसे तो यहाँ से लॉगिन तो होना ही पड़ेगा, जैसे पहले लॉगिन हुए थे वैसे ही यहाँ पर आने के बाद उनको जो है लॉगिन होना पड़ेगा, ठीक है। एडमिशन के लिए यहाँ पे फर्स्ट राउंड अप्लीकेशन फोर सेशन इतना से इतना दे दिया गया है, तो इस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड अपना कर लेना है। अप्लीकेशन और जो भी होता है यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस हम आपको इसमें बता दिए, वैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास ये डाउनलोड हो गया है, तो हम वो बाद में चेक कर लेंगे। आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर साइनिंग होना है, साइनिंग यूजर आईडी और पासवर्ड, यूजर आईडी में आपको ईमेल देना है, पासवर्ड आपको क्रिएट किए होंगे आप तो ईमेल पर मैसेज आया होगा, एक बार चेक कीजिएगा, वहाँ से आपको लॉगिन हो जाना है। जब आप लॉगिन हो जाएंगे ना भैया, तो लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर एक VIUW का बटन मिलेगा सामने में, ठीक है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका सिलेक्शन लेटर आ जाएगा। हमने प्रोसेस पीछे कर चुके हैं, ये सारे प्रोसेस देखने के लिए आपको क्या करना है वो हम बता देते हैं, और कहाँ लिंक मिल जाएगा आपको, तो गूगल पे आ जाना है और वहाँ पे सर्च करना है आपको बीएसवी गुरुजी एमएनसी क्लासेस, बीएसवी गुरुजी एमएनसी क्लासेस जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब जैसे ऐसा पेज ओपन होता है आप नीचे अपडेट करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, फिर आपको यूनिवर्सिटी अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यूनिवर्सिटी अपडेट पर आएंगे तो यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन होता है। अब इसमें आपको पीजी, देखिए एडमिशन के लेकर एक नया प्रोसेस भी शुरू हुआ है NOU के द्वारा, यानी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा भी पीजी एडमिशन चल रहा है अभी। और नीचे आ जाएंगे तो आपका पीजी का एडमिशन जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट और सिलेक्शन लेटर 100% हर सवालों का जवाब है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और कैसे एडमिशन लेना है ये सारे प्रोसेस जो है इसमें हालांकि हम बता दिए हैं A to Z जानकारी यहाँ पर दी गई है,
यहाँ पर आप लोग एक बार आ जाइए गूगल पे सर्च करके, और यहाँ पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा। वीडियो के माध्यम से भी चेक कर लीजिएगा कि कैसे एडमिशन लिया जाता है और कैसे क्या करना है। यहाँ पे आज से शुरू है, सारा प्रोसेस हमने आपको बता दिया है, तो एक बार आप लोग आकर जरूर चेक कीजिएगा। विशेष सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है आपका, हमने बता दिया कब आने वाला है, और जैसे ही आती है कोई अपडेट, बड़ी अपडेट, तो हम आपको कल परसों तक में जो भी अपडेट आएगी हम आपको बता देंगे। आज सारे दिन हमने इंतजार कर लिया, जब कुछ नहीं आया तब जाके हमने ये वीडियो बनाकर आपको दे रहे हैं। बाकी साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एकदम